के इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एक नया चैप्टर, चैप्टर 12, सेंस ऑर्गन्स का पार्ट 1। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो चीजें हमें सेंस करने में हेल्प करें, जैसे हम देख कैसे पाते हैं, देखना भी तो एक टाइप का सेंस हुआ। फिर हम टच कह सकते हैं कि हम टेस्ट कैसे कर पा रहे हैं, फिर या फिर हम सुन कैसे पाते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं सेंस ऑर्गन्स, और ये सारी चीजें सेंसेस होती हैं जो हमें हेल्प करेगा सेंस करने में। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर सेंस ऑर्गन। सबसे पहले सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? दीज सेंस ऑर्गन्स प्रोवाइड एन ऑर्गेनिज्म, क्या कुछ भी जैसे इंफॉर्मेशन, बाहर की इंफॉर्मेशन, क्या बाहर हो रहा है, वो सारी चीजें हमारे माइंड तक, क्या कह सकते हैं कि कौन सी चीजें हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो बाहर की इंफॉर्मेशन, बाहर होने वाली जितने भी इंफॉर्मेशन है उनको ब्रेन तक पहुंचाएं, ठीक है, वही होते हैं सेंस ऑर्गन्स। फिर वी हैव ऑल हर्ड अबाउट फाइव सेंसेस, जैसे सी, देखना, ठीक है, ये भी एक तरह का सेंस हुआ। फिर हियर, स्मेल, टेस्ट एंड टच, ये पांच सेंसेस होते हैं हमारी बॉडी में। सबसे पहले देखना, फिर सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना और टच करना, ठीक है, ये सब फाइव सेंसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है टू सी, वी यूज आवर आईज, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, बहुत कॉमन, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने पूरा आपके नोट्स प्रिपेयर करे हैं। टू सी वी यूज आवर आईज, हम देखने के लिए आंखों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। टू हियर वी यूज आवर इयर्स, टू स्मेल वी यूज आवर नोज, टू टेस्ट वी यूज आवर टंग, एंड टू टच वी यूज यूज विद द हेल्प ऑफ टंग। ये सारी चीजें होती हैं सेंसेस, और ये सारे ऑर्गन्स होते हैं जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो बेसिकली कितने सेंस ऑर्गन्स हुए? फाइव। सबसे पहले कौन सा हुआ? आईज, है ना, ईयर, फिर आता है नोज, टंग एंड स्किन, ये पांच सेंस ऑर्गन्स होते हैं, यही हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं, फाइव सेंस ऑर्गन्स। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे ईयर को, हमारे कान को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला सेंस ऑर्गन हमारा जो है हमारा ईयर, ठीक है। ईयर क्या काम करता है? देखो, ईयर के दो काम है, एक तो सुनना, ये तो सबको पता है, साथ ही साथ हमारे दो कान इस जगह इसलिए होते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें ज्यादा सुनना चाहिए, कम बोलना चाहिए, नहीं, क्योंकि ये हमें हमारा जो बॉडी का बैलेंस है उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा। जो ईयर होते हैं इसको कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं ईयर, ठीक है। तो इसीलिए हमारे दो कान होते हैं, ये इसलिए नहीं होते कि लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि एक मुंह और दो कान क्यों होते हैं, कि कम बोलना और ज्यादा सुनना चाहिए, नहीं, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। द ईयर इज द सेंस ऑर्गन फॉर बोथ हियरिंग एंड मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिर है, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन सेक्शंस, इसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला आउटर, ठीक है, आउटर में क्या होगा? एन आउटर प्रोजेक्शन एंड अ कैनाल एंडिंग एट अ मेम्ब्रेन, कौन सी कैनाल वो भी हम पढ़ेंगे, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। फिर बाद में आता है बीच वाला, मिडल ईयर, ठीक है, मिडल ईयर इज एन एयर स्पेस, है ना, कंटेनिंग थ्री स्मॉल बोन्स, अब वो बोन्स कौन सी है वो भी आपको आगे पता चलेगा। फिर लास्ट आता है हमारा इनर ईयर, अंदर वाला ईयर, मोस्ट कॉम्प्लेक्स, अब इसको कह सकते हैं कि यही है जो हियरिंग में भी मेन रोल प्ले करता है और इक्विलिब्रियम में भी मेन रोल प्ले कर रहा है, जो हमारा इनर ईयर है वो, ठीक है, इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड कंटेन्स द सेंसरी रिसेप्टर्स फॉर हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम, यहीं पर रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो हियरिंग और इक्विलिब्रियम दोनों में हेल्प करेगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये है हमारा पूरा कान, एक छोटा सा कान दिख रहा है, इसके अंदर बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं तो इतना आउटर ईयर होता है, फिर यहां से यहां तक, मतलब बीच में कुछ कुछ चीजें इनर की भी आ रही है इधर, लेकिन मैं ओवरव्यू बता रही हूँ, यहां तक मिडल होता है, और ये पूरा, ये जो स्नेल जैसा स्ट्रक्चर है ये पूरा होता है इनर ईयर,
तीन पार्ट्स में होता है, डिवाइड आउटर मिडल और इनर। तो आउटर में है, आउटर में देखो कितनी सारी चीजें हैं जो बाहर वाली, ये हमारी जो बाहर दिखता है इसमें कितना सारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। कार्टिलेज, कार्टिलेज का बना होता है हमारा ईयर, ठीक है। हेलिक्स होगा यहाँ पर, देखो एंटी हेलिक्स कोन का पिना, पिना होता है ये जो हम अपने हाथ से भी टच कर सकते हैं, ठीक है। पिना होता है ऑडिटरी व्यूला। कार्टिलेज तो होगा ही हर जगह, ठीक है। फिर आते हैं ये मसल्स, मसल क्या हेल्प करेगी मूवमेंट कराने में, है ना। मसल का तो एक ही काम है, मूवमेंट कराना, लोकोमोशन कराना, तो मसल इधर है। फिर आती है टेम्पोरल बोन, ये देखो मैलियस, इनकस और स्टेप्स, इनकी मैं बात कर रही थी। ये तीन बोन्स होती हैं इन मिडल ईयर, अलग अलग फंक्शन है, टाइनी होती है, छोटी छोटी बोन्स होती है ये, ठीक है। इनकस, स्टेप्स और मैलियस। फिर आते हैं सेमी ल्यूनर कैनाल, यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा इनर ईयर। उसमें क्या क्या है, सेमी ल्यूनर कैनाल, ठीक है। वेस्टिबुलर नर्व, कोक्लियर नर्व, कोक्लिया, यूस्टाशियन ट्यूब, टिम्पैनिक कैविटी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर कैनाल, मसल, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं हमारे एक छोटे से कान में, ठीक है। इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है तभी हम सुन पाते हैं, है ना, ठीक है। यहीं पे ईयर, ये जो टिम्पैनिक मैम्ब्रेन है इसी को हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि पर्दा फट जाएगा, ज्यादा तेज आवाज मत सुनो, वो यही होता है ईयर ड्रम, जिसको टिम्पैनिक मैम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आउटर ईयर। आउटर ईयर क्या है, सबसे पहले इसमें जो स्ट्रक्चर आता है वो है फिना, ईयर फिना। क्या है ईयर फिना, इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट, सबसे बाहर वाला पार्ट है, हम टच भी करके देख सकते हैं, ठीक है। इट इज वेरी फाइन हेयर्स, इतने छोटे छोटे बाल होते हैं कि हम देख ही नहीं पाते, है ना, देख भी सकते हैं वैसे। और जो ये पिना है, इसमें जो फाइन हेयर्स हैं, ये जो बाहर से डस्ट आती है उसको ट्रैप कर लेते हैं, हम बाहर ही रखते हैं, अंदर जाने नहीं देंगे, ठीक है। अंदर अगर जाएंगे तो वो हियरिंग में हमारी प्रॉब्लम होगी फिर, है ना। डस्ट पार्टिकल अगर कान के अंदर चले गए तो दिक्कत होगी सुनने में, इसीलिए फाइन हेयर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने के लिए, ठीक है। एंड ग्लैंड्स, दैट ग्लैंड सिक्रीट वैक्स, अब हमारे कान में वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो वैक्स सिक्रीट करते हैं, आपने देखा भी होगा, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंड डस्ट फ्रॉम एंट्रिंग, ठीक है। बाल जो प्रेजेंट है, फाइन हेयर्स, उनका काम मैंने बता दिया। फिर आते हैं द कर्व एस शेप, अब इस बाहर वाले जो हमारा बाहर वाला कान है इसकी बात हो रही है। द कर्व शेप, जो एस शेप होती है ट्यूब, इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इट्स आउटर 1/3 इज इलास्टिक कार्टिलेज एंड इट्स इनर 2/3 इज बोनी इन नेचर। बाहर वाला 1/3 पार्ट इसका कार्टिलेज का होगा और अंदर वाला 2/3 पार्ट बोनी, मतलब बोन्स का बना होगा। देखो जहां बोनी आ जाए मतलब बोन्स, ठीक है, बोन्स का बनाता है अंदर वाला 2/3 पार्ट ऑफ पिना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या फिर मिएटस। देखो साउंड को होकर गुजरना है इस रास्ते से, इसीलिए वो जाता है पहले पिना, उसके बाद जो ऑडिटरी कैनाल है इसको हम कह सकते हैं कि रास्ता है ऑडिटरी कैनाल, इसको हम मिएटस भी बोलते हैं, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट होता है हमारे ईयर में, इसको ये भी कह सकते हैं। इट इज कनेक्टेड टू पिना एट द आउटर साइड एंड एक्सटेंडेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम, जो हम कान का पर्दा बोलते हैं, वहां तक ये होता है, पिना से शुरू हुआ और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक होता है हमारा ऑडिटरी कैनाल या फिर वीएटस। दे आल्सो हैव वैक्स ग्लैंड, इनके पास भी वैक्स ग्लैंड होते हैं। फिर आते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसकी मैं बात कर रही थी, जो हमारा ईयर ड्रम भी है, ठीक है। ईयर ड्रम, इट इज मेड अबव कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। देखो जो मैं पढ़ा रही हूँ आप वो पढ़िए, नोट्स बनाइए एज इट इज और रिवाइज करिए, आपको खुद ब खुद सब कुछ याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल है। हम अपने बारे में तो पढ़ रहे हैं तो अपने बारे में पढ़ना सबसे ज्यादा आसान होता है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो ईयर ड्रम कनेक्टिव टिश्यू का बना होगा,
स्किन कवर्स द आउटर पोर्शन, और जो अंदर वाला पार्ट है उसको म्यूकस मेम्ब्रेन कवर करता है। ठीक है, ईयर ड्रम के बाहर वाला स्किन होता है, उसके बाहर स्किन और अंदर वाली साइड म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सेपरेट्स द आउटर ईयर फ्रॉम द मिडल ईयर। ये एक दरवाजा है, ठीक है, दरवाजा है बिटवीन आउटर ईयर और मिडल ईयर, उन दोनों के बीच का कह सकते हैं कि उन दोनों के बीच की एक दीवार है, ठीक है, जो उनको सेपरेट करके रखता है आउटर और मिडल ईयर को। फिर आते हैं पिना रिसीव्स द साउंड इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। जो हमारा आवाज हमको आती है, देखो जो मैं बोल रही हूँ वो वापस मेरे कान में तो पड़ी नहीं होगी, तो जो मैं बोलती हूँ वो वापस अगर कान में जब पड़ती है तो पिना में सबसे पहले जाएगी, वहां पर वाइब्रेशन के फॉर्म में जाएगी वो सबसे पहले, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, ठीक है, अभी ओवरव्यू है। तो वाइब्रेशन की फॉर्म में जाएगा पिना पे, फिर उसके बाद द साउंड वेव्स रीचेस एंड वाइब्रेट द ईयर ड्रम थ्रू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। सबसे पहले क्या हुआ, पिना पे गई इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, वाइब्रेशन में गया, फिर उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से होते हुए, या फिर इसको हम मिएटस भी बोलते हैं, वो पहुंचता है ईयर ड्रम। अब ईयर ड्रम ड्रम है तो वहां खट 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 होगा और हमें आवाज आ जाएगी, हमारे फिर मिडल ईयर, फिर इनर ईयर के बाद से हमें आवाज आ जाती है। तो ये बाहर वाला आउटर ईयर का मैकेनिज्म है हियरिंग का, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं, ये है हमारा पूरा, ये देखो ईयर कैनाल या फिर मिएटस, ये है ईयर ड्रम, ये तीन चीजें मिलकर बनाती है आउटर ईयर, पिना, ईयर ड्रम और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है, ये है हमारा आउटर ईयर। ये देखो ये जो ये है डार्क पिंक, ये मिडल ईयर है, और ये स्नेल जैसा स्ट्रक्चर जो है, स्नेल जैसा, ये है इनर ईयर, इसकी बातें हम बाद में करेंगे। ये पूरा आउटर ईयर देखो सबसे बड़ा होता है आउटर ईयर, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट होगा, ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, सिर्फ पिना, ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम, ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट मिडल ईयर पे, जो बीच वाला ईयर है उस पे आते हैं। इसमें क्या होगा कि इट कंटेन्स अ चेन ऑफ थ्री बोनी बोनी बॉन्स, थ्री टाइनी बॉन्स, सबसे पहले वैलियस, इनकस और स्टेप्स, प्रेजेंट इन द सेम ऑर्डर, इसी ऑर्डर में प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले कौन सी होगी, वैलियस, उसके बाद इनकस, फिर उसके बाद होती है स्टेप्स, ठीक है, इसी ऑर्डर में प्रेजेंट होती है, ये टाइनी मतलब छोटे छोटे होंगी मिडल ईयर में प्रेजेंट। फिर आते हैं मैलियस पे, इट इज अ हैमर शेप, हैमर का शेप का होगा, कुछ ऐसे ही होता है, हैमर, हाँ मैंने उल्टा बना दिया पर आप सीधा बना लें, ठीक है, हैमर शेप बोन अटैच टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम। देखो जो मैलियस है वो सबसे पहली शुरुआत होगी मिडल ईयर की, जो कहाँ पे अटैच होगी, ईयर ड्रम में, क्योंकि ईयर ड्रम एंडिंग हो रही थी हमारे आउटर ईयर की, तो मिडल ईयर और आउटर ईयर कहाँ पे शुरू होगा, हमारे मैलियस पे, ठीक है, ये हैमर शेप बोन है और कहाँ प्रेजेंट होगी ये भी देख लिया। उसके बाद आते हैं इनकस पे, इट्स एन एनविल शेप, आपने वो देखा है क्या कभी, आपने शू, आपने जूते ठीक कराए हैं, चप्पल जूते ठीक कराए हैं पोची से, उसके पास आपने कुछ ऐसा इस शेप का रखा हुआ देखा होगा जिस पे रख के वो सिलाई करता है, ठीक है, वही होता है एनविल शेप। एनविल शेप बोन प्रेजेंट बिटवीन द मैलियस एंड स्टेप, स्टेप्स और मैलियस के बीच में प्रेजेंट होगा और कुछ इस शेप का होगा, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा ही होता है ना, आपने देखा भी होगा अपने आसपास, जो भी आपके मोची है उसके पास ऐसा होता ही है, ठीक है। फिर आते हैं स्टेप्स, स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी, सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन है थाई बोन, ठीक है, थाई में प्रेजेंट होती है, ये सबसे लॉन्गेस्ट है, और स्टेप्स सबसे शॉर्टेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी में, इट इज स्टिरअप शेप, कौन सी होती है स्टिरअप शेप, कुछ कुछ इस तरह की,
ठीक है, स्टिरअप शेप ये वाली होती है, कुछ इस तरह की होती है हमारी स्टेट्स, एंड अटैच टू द ओवल विंडो ऑफ द कोक्लिया। यहाँ से इनर ईयर शुरुआत कर देता है अपनी कोक्लिया, इनर ईयर का ही एक पार्ट है, तो वहां पर ये अटैच होती है फ्रॉम द ओवल विंडो। ठीक है, फिर आते हैं द यूस्टेशियन ट्यूब। जो यूस्टेशियन ट्यूब है इज द कनेक्शन बिटवीन द मिडल ईयर एंड द फैरिंक्स। फैरिंक्स के पास भी तो हमें चाहिए भाई आवाज, है ना, हमारी पूरी बॉडी में आवाज जानी चाहिए, ठीक है, तभी तो हम रिएक्शन देंगे, मतलब ब्रेन के पास आवाज जानी चाहिए तभी तो हम पूरी बॉडी का रिएक्शन देंगे। तो फैरिंक्स और मिडल ईयर, इन दोनों के बीच का कनेक्शन होता है यूस्टेशियन ट्यूब, जो हमारा जैसे यहाँ पे मान लो कि यहाँ से है, ये है इनर ईयर, यहाँ पे इतना मिडल ईयर, तो मिडल ईयर से निकलता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। ठीक है, ये कनेक्ट हो जाता है बाद में जाकर फैरिंक्स में। ठीक है, यहां से कहीं जा रहा होगा और वो फैरिंक्स में जाके मिल जा रहा है। फैरिंक्स क्या था, ये एक कॉमन पाइप था फॉर फूड एंड विंड बोथ। ठीक है, तो क्या है ये कनेक्शन बिटवीन द मिडल ईयर एंड फैरिंक्स, और इट इक्वलाइजेस प्रेशर बिटवीन द मिडल ईयर एंड द आउटर एटमोस्फेयर। क्या होता है कि बाहर का जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है और हमारे ईयर का जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है, उन दोनों को इक्वलाइज करेगा यूस्टेशियन ट्यूब। फिर आते हैं द मिडल ईयर एम्पलीफाइज। जो मिडल ईयर करेगा एम्पलीफाइज, मिडल ईयर एम्पलीफाइज करेगा साउंड वेव्स को एंड ट्रांसमिट टू द इनर ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, आउटर ईयर का हमने मैकेनिज्म देख लिया था, इनर ईयर में ये जो साउंड वेव्स आएंगी फ्रॉम द आउटर ईयर उनको ये एम्पलीफाई करेगा, उसके एम्पलीफाई करने के बाद ये भेजेगा इसको इनर ईयर में। ठीक है, ये होता है हमारा इनर ईयर, ये देखो वेलियस इनकस स्टेप्स, शेप भी दिख रही होगी आपको इनकी, स्टेप्स की कैसी थी, स्टिरअप शेप। ठीक है, इनकस कैसा था, हमारा एनविल शेप, ये देखो पूरा एनविल शेप है एज इट इज रखा हुआ है, एनविल शेप्ड, और मैलियस हैमर शेप्ड। ठीक है, ये होता है हमारा मिडल ईयर। और ये है यूस्टाशियन ट्यूब, ये बाद में कहीं जाकर यहां से जाकर मिल रही होगी विद द फैरिंक्स, तो ये कनेक्शन हो गया ना मिडल ईयर और फैरिंक्स के बीच का, ये है यूस्टाशियन ट्यूब, ये है पूरा हमारा मिडल ईयर। इतना ही है, बहुत सिंपल है, तो आपको सिर्फ जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से पढ़ते जाना है और लिखते रहना है अपनी लैंग्वेज में, यही नोट्स। ठीक है, अब आते हैं लास्ट इनर ईयर। इनर ईयर क्या है, इट कंटेन सेंसेस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड हियरिंग। इसको हम कह सकते हैं कि ये मेन पोर्शन है, मेन पार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, हमारे कान का जो मेन पार्ट है वो इनर ईयर है, क्योंकि वहीं पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे हियरिंग के भी, एज वेल एज इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए भी। ठीक है, अ कैविटी इन द टेम्पोरल बोन। देखो टेम्पोरल बोन हमने देखा था कहाँ प्रेजेंट था, ठीक है, सबसे पहले जो हमने एनाटॉमी ऑफ ईयर देखा डायग्राम, उसमें हमने देखा था टेम्पोरल बोन, वहां पर एक कैविटी प्रेजेंट होती है। द बोनी लैबिरिंथ इज स्प्लिट इनटू थ्री सेक्शन, इसको इनर ईयर को हम लैबिरिंथ भी बोलते हैं। ठीक है, इनर ईयर इज ऑल्सो नोन एज लैबिरिंथ। तो जो बोनी लैबिरिंथ है इज स्प्लिट इनटू थ्री सेक्शन, सबसे पहले सेमिल्यूनर कैनाल्स। ठीक है, अब सेमिल्यूनर कैनाल्स भी टाइप होते हैं इसके भी, वो बाद में पढ़ेंगे, ट्रांसवर्स, ये सारी चीजें बाद में देखेंगे। फिर होता है वेस्टिब्यूल, वेस्टिबुलर अपैरेटस, ये भी आपने सुना होगा, वो भी है, एंड द कोक्लिया। ठीक है, ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं इन द बोनी लैबिरिंथ। ठीक है, फिर आते हैं द इनर ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड लैबिरिंथ, इट इज कंपोज ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कैनाल्स एंड सैक्स, इसमें प्रेजेंट होते हैं इंटरकनेक्टेड कैनाल्स, मतलब कैनाल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो इंटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, और सैक सैक लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं हमारे इनर ईयर में। द
membranous labyrinth is present inside the bony. देखो bony labyrinth के पार्ट हमने देख लिए, उसके अंदर प्रेजेंट होता है membranous labyrinth and surrounded by a fluid जिसको हम बोलते हैं perilymph. तो क्या हुआ होगा कि ये बाहर वाला जिसको bony labyrinth बोलते हैं, फिर इसके अंदर प्रेजेंट होगा membranous labyrinth और फिर इसके अंदर एक फ्लूड प्रेजेंट होता है जिसको पेरिलिम्फ बोलते हैं. ठीक है, ये ऐसा डायग्राम नहीं होगा, ये मैंने आपको एक दिमाग में सेट करने के लिए बताया है कि कुछ इस तरह से होगा. बाहर वाला बोनी, उसके अंदर मेम्ब्रेनस और मेम्ब्रेनस के अंदर प्रेजेंट होगा पेरिलिम्फ. ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पे. The endolymph is filled within the membranous labyrinth. Endolymph यही है, ठीक है, जिसको हम perilymph बोल रहे हैं. Auditory receptors are located. अब auditory receptors की बात हुई, जहां पर आने के बाद जो आवाज है वो receptor trap कर लेंगे, receptor में bind हो जाएगा और फिर उसके बाद हमारे brain तक पहुंच जाएगा. ठीक है, ऑडिटरी रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन द कॉक्लिया एंड वेस्टिबुलर अपैरेटस मेंटेन्स द बॉडी बैलेंस. तो क्या होगा, कॉक्लिया क्या काम करेगा, बैलेंस नहीं, कॉक्लिया क्या काम करेगा, हियरिंग. ठीक है, वेस्टिबुलर अपैरेटस क्या करेगा, बैलेंस. तो ये दोनों ही फंक्शन है हमारे ईयर के. ठीक है, तो ईयर ये छोटी सी चीज इतना बड़ा काम करती है हमारी बॉडी में, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगी हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो इनर ईयर का जो कोक्लिया पार्ट है वो मेंटेन वो करेगा हियरिंग को, और जो वेस्टिबुलर अपैरेटस है वो करेगा हमारे बॉडी बैलेंस को मेंटेन. ठीक है, ये हो गया हमारा इनर ईयर. अब आते हैं फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, कैसे हम आवाज हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, कानों में घुसने के बाद कैसे आवाज जो है हमारे ब्रेन तक पहुंचती है वो हम पढ़ेंगे. क्या हुआ होगा, सबसे पहले की आवाज आई होगी, हमारे ईयर पिना से टकराएगी, वाइब्रेशन हुआ और फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के थ्रू वो ईयर ड्रम में पहुंच जाएगी, ऐसे ही कुछ हुआ होगा. तो द पिना रिसीव द साउंड वेव इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, ये आप लिख लेना ब्रैकेट में. ठीक है, वाइब्रेशन की फॉर्म में साउंड वेव को अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, उसके बाद इट रीचेस द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं, वहां पर जाएगा थ्रू द मेटस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के थ्रू. ठीक है, ये फंक्शन है, ये पूरा हो गया हमारा आउटर ईयर. आउटर ईयर का काम इतना ही था. इसके बाद काम शुरू होता है मिडल ईयर का. मिडल ईयर में क्या होगा, द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स एंड दीज वाइब्रेशन गेट ट्रांसमिटेड टू द थ्री ओसिकल्स, जो हमारी बोन्स हैं, जो है इंडस, स्टेप्स और मैलियस. ठीक है, तो एक्सटर्नल जो आउटर ईयर है उसका काम खत्म, अब मिडल ईयर का काम शुरू. जो ईयर ड्रम है वहां से वाइब्रेशन जाएंगी टू द जो हमारे ईयर ओसिकल्स है, इनका स्टेप्स और मैलियस, वहां पर जाएंगी. अब देखते हैं उसके बाद क्या होगा. मैलियस इनकस एंड स्टेप एम्पलीफाई द साउंड वेव्स, वो एम्पलीफिकेशन करेगी साउंड वेव्स का. उसके बाद क्या होगा, दीज वाइब्रेशन देन रीचेस द पेरिलिम्फ. पेरिलिम्फ क्या था, देख लिया था हमने पेरिलिम्फ क्या था, ये तो मेम्ब्रेनस, जो हमारा मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ था उसके अंदर का फ्लूइड था. स्केला वेस्टिबुलाय, जिसको हम स्केला वेस्टिबुलाय भी बोलते हैं, थ्रू द ओवल विंडो. जो हमारा स्टेप्स है, स्टेप्स और जो इनर ईयर की शुरुआत है उनके बीच में प्रेजेंट होगा ओवल विंडो. एक हमारे घर और हमारे नेबर के घर के बीच की एक विंडो, ऐसा समझ सकते हैं. ठीक है, जहां से हमारे घर से हम अपने नेबर के घर में जा सकते हैं. ठीक है, एक ऐसी विंडो जो एक दोनों का दोनों की दीवार में है. ठीक है, जहां से जंप कर हम अपने नेबर के घर जा सकते हैं, ऐसा ही कुछ होता है कि मिडल ईयर के स्टेप्स के पास, स्टेप्स के बाद में और जहां से इनर ईयर शुरुआत होती है उन दोनों के बीच में एक विंडो प्रेजेंट होगी, जिसको हम ओवल विंडो बोलते हैं, जहां से जो एम्पलीफाइड साउंड वेव्स है वो एंटर करेगी इन द पेरिलिम्फ.
लिव कहाँ था? मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में, ठीक है, वहां चली गई. देन द प्रेशर वेव्स गेट ट्रांसफर टू द एंडोलिम और स्कैला पीडिया एंड विच इज बेसिलर मेम्ब्रेन एंड देन टू द पेरिलिम्फ ऑफ स्कैला टिम्पैनी. ठीक है, इतना हो गया. उसके बाद क्या होगा? दिस मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इज फैसिलिटेटेड बाय द राउंड विंडो प्रेजेंट एट द एंड ऑफ स्कैला टिम्पैनी. ये इतनी कहानी जो मैंने बताई अभी तक इनर ईयर की, ठीक है, सिर्फ इनर ईयर की. उसको क्या होगा कि जो राउंड विंडो है वो इसको रास्ता दिखा रही होगी. ठीक है, फैसिलिटेटेड का मतलब यही होता है कि रास्ता दिखाना. ये सारा काम ये जो राउंड विंडो है यही करवा रही है. कहाँ प्रेजेंट है? ये स्केला टिम्पानी में प्रेजेंट होता है. ठीक है, जो राउंड विंडो है वो. फिर उसके बाद क्या होगा? द बेसिलर मेम्ब्रेन मूवमेंट कॉजेस क्या? रबिंग ऑफ स्टीरियोसीलिया. जो स्टीरियो सीलिया है वो भी प्रेजेंट होते हैं हमारे इनर ईयर में. देखो, जहां सीलिया आ गए वहां समझो कि कुछ कुछ, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, कुछ कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे. ठीक है, स्टीरियो सीलिया प्रेजेंट होते हैं हमारे ईयर में, तो वहां पर रबिंग होगी क्योंकि जो मेम्ब्रेन का जो बेसिलर मेम्ब्रेन है वो मूवमेंट करेगा. तो जब मूवमेंट होती है तब रबिंग होगी किसकी? स्टीरियो सीलिया की अगेंस्ट द टेक्टोरल मेम्ब्रेन. ठीक है, इतना हो गया. स्टीरियो सीलिया आर बेंड रिजल्टिंग इन द ओपनिंग ऑफ आयंस चैनल्स. देखो, यहाँ भी आयंस का ही खेल है. कैल्शियम आयन यहाँ पर एक बहुत मेजर प्ले रोल करता है. तो वहां पर क्या होगा? जब स्टीरियो सीलिया बेंड होंगे तो आयन चैनल ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द हेयर सेल्स. ठीक है, अभी आयन चैनल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, हेयर सेल में. ग्लूटामेट एक न्यूरोट्रांसमीटर, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है ग्लूटामेट. ठीक है, इसको भी स्टार मार्क बनाकर लिख लेना, ग्लूटामेट को. अ न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज ड्यू टू Ca++ आयंस, कैल्शियम 2+ आयन मूवमेंट इनसाइड द सेल. जब हमारी कैनाल ओपन हो चुकी है तो कैल्शियम आयन जाएंगे इधर से उधर, उधर से इधर. फिर क्या होगा? ग्लूटामेट जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है ये रिलीज होता है. ठीक है, उस टाइम पर रिलीज होगा. फिर क्या होगा? दीज न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द रिसेप्टर ऑफ एफरेंट न्यूरॉन. देखो, एफरेंट क्या था? लेकर जाना, है ना, ऑर्गन से ब्रेन तक लेकर जाना, ये एफरेंट का काम है. और इफरेंट, दो तरह के न्यूरॉन्स हमने पढ़े थे, एफरेंट और इफरेंट. एफरेंट क्या क्या करेगा? ऑर्गन टू ब्रेन, और इफरेंट ब्रेन टू ऑर्गन. ठीक है, विद साइनेप्स विद हेयर सेल्स कॉजिंग डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन्स. ठीक हो गया. इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मैकेनिज्म ऑफ. अच्छा, इतना हो गया हमारे हियरिंग का, यही था. इसके बाद क्या हुआ होगा कि वो ब्रेन तक गया, ब्रेन ने हमें रिएक्शन दिया और हमने सुन लिया कि किसी ने हमें क्या कहा, हमें कहा कि पानी लाओ. तो देखो, इतना टाइम नहीं लगता है कि इतना हुआ होगा, ये वो ये वो. बहुत 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 नैनो सेकेंड में ये सारा जो प्रोसेस है ये हो जाता है. ये पूरा मैकेनिज्म बहुत नैनो सेकेंड में हो जाता है. अभी ऐसा तो नहीं है कि आपने अब बोला और आपको सुनाई कम से कम 5 मिनट बाद देगा, है ना. ऐसा होगा तो फिर दुनिया क्या क्या होगा पता नहीं. तो इसीलिए ये बहुत नैनो सेकंड में होता है. 0.00001 सेकंड कहीं का इतना ही होगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें. ठीक है, अब हम आते हैं इक्विलिब्रियम को कैसे मेंटेन रखते हैं हमारे ईयर्स, उसके मैकेनिज्म पे आते हैं. ठीक है, हम सबको पता है कि हमारे ईयर सुनने के साथ साथ हियरिंग बैलेंसिंग में भी हेल्प करेगा. तो उसका मैकेनिज्म कैसे होगा? सबसे पहले, वी ऑल नो दैट हियरिंग एबिलिटी इज ड्यू टू ईयर्स. इसके साथ साथ इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में भी ईयर हेल्प करते हैं द वेस्टिबुलर अपैरेटस. ठीक है, जो इनर ईयर का वेस्टिबुलर अपैरेटस है ये हेल्प करेगा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए. वहां पर जो कोक्लिया प्रेजेंट था वो हियरिंग में हेल्प कर रहा था और यहाँ पर वेस्टिबुलर अपैरेटस हेल्प करेगा. ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम. अब जो इक्विलिब्रियम है वो दो तरह का होता है, स्टैटिक और डायनेमिक. ये आपने पढ़ा होगा सबने. तो स्टैटिक वाला, जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, इज मेंटेन बाय मैक्यूला ऑफ सैक्योर एंड यूट्रिकल. ठीक है, ये सारी चीजें हमारे इनर ईयर में भी प्रेजेंट होती है. तो वहां पर स्टैटिक इक्विलिब्रियम कौन मेंटेन कर रहा होगा? वहां कर रहा होगा मैक्यूला ऑफ सेक्योर. ठीक है, मैक्यूला ऑफ सेक्योर एंड साथ ही साथ यूट्रिकल, ये दोनों हेल्प करेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम में मेंटेन
मेंटेन करने के लिए। देखो ये सारी चीजें वेस्टिबुलर अपैरेटस का ही पार्ट है, ठीक है। अब वेस्टिबुलर अपैरेटस हमारे इनर ईयर का पार्ट है और इनर ईयर हमारे ईयर का पार्ट, ठीक है। ऑटोलिथ्स, अब ऑटोलिथ्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्रेस अगेंस्ट स्टीरियोसीलिया ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल एंड स्टिमुलेट द इनिशिएशन ऑफ अ नर्व इंपल्स। देखो कौन सी नर्व इंपल्स होगी यहाँ पर, कौन सी काम करेगी, एट वही तो होती है ना ऑडिटरी नर्व, तो जो एट क्रेनियल नर्व है वही काम करती है इधर और हियरिंग में भी और बैलेंसिंग में भी, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं व्हेन द हेड इज टिल्टेड और मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद इंक्रीजिंग स्पीड ऑटोलिथ प्रेस ऑन स्टीरियोसीलिया ऑफ डिफरेंट सेल्स। क्या होगा कि जो हमारा सर है, ठीक है, अब वो टिल्ट करेगा या फिर आगे मूव करेगा, अगर जो स्पीड है वो बढ़ रही है तो क्या होगा कि ऑटोलिथ प्रेस ऑन स्टीरियोसीलिया ऑफ डिफरेंट सेल। ऑटोलिथ जो है जो वेस्टिबुलर अपैरेटस का ही पार्ट है, तो ऑटोलिथ क्या करेगा कि वो प्रेस करेगा स्टीरियोसीलिया को, तब जाकर हम बैलेंसिंग कर पाते हैं, ठीक है। द ब्रेन इंटरप्रेट्स द नर्व इंपल्स रिजल्टिंग, देखो इधर लिख भी लेना कि एट क्रेनियल नर्व जो होता है ऑडिटरी नर्व, ठीक है, जो ऑडिटरी नर्व है इसका ही खेल है ये सारा, ठीक हो गया। द ब्रेन इंटरप्रेट्स द नर्व इंपल्स रिजल्टिंग इन द अवेयरनेस ऑफ द बॉडी पोजीशन। अब ब्रेन के पास ये जाएगी इंफॉर्मेशन कि हमको बैलेंस करना है, तो हमारी बॉडी अवेयर हो जाएगी, ठीक है। बॉडी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब कुछ भी हो सकता है, रिस्पेक्टिव टू हेड पोजिशन, ठीक है, रिस्पेक्टिव टू ग्राउंड, हमें ग्राउंड के रिस्पेक्टिव में तो बैलेंसिंग करनी है, ठीक है, जैसे ग्राउंड है वैसे हमको बैलेंसिंग करनी है। अभी ऐसा तो नहीं है कि हम दीवार पर चढ़ने लग जाएं, ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, इसीलिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही हमको बैलेंसिंग करनी है। फिर आएंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये दूसरा टाइप है इक्विलिब्रियम का, पहला देख लिया स्टैटिक, ये डायनेमिक है, इज डिटेक्टेड बाय क्रिस्टी ऑफ सेमी लूनर कैनाल्स, ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, सेमी सर्कुलर कैनाल में जो क्रिस्टी प्रेजेंट होती है। देखो क्रिस्टी क्या है, क्रिस्टी किसी भी चीज का फोल्ड्स होती है, ठीक है, इन फोल्ड्स को ही हम क्रिस्टी बोलते हैं, ये प्लूरल फॉर्म है, क्रिस्टा सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। तो ये क्रिस्टी ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल की क्रिस्टी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में मदद करता है, ये हमने देख लिया पूरा, यहाँ तक कंप्लीट होता है मैकेनिज्म ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आज हमने ईयर पढ़ लिया, आज हमने देख लिया कि मैकेनिज्म ऑफ क्योरिंग, मैकेनिज्म ऑफ बैलेंसिंग कैसे होता है, तो ईयर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे दूसरे सेंस ऑर्गन्स, उसमें हम ईयर आय पढ़ सकते हैं, माउथ पढ़ सकते हैं, और हम टंग पढ़ सकते हैं, और क्या बचा, स्किन, ठीक है। अगले लेक्चर में ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, डरने की है क्या बात, जब फॉर्म से इंडिया लाइव है आपके साथ, थैंक यू।